नमस्कार। देखिए, मैं आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ बजाय के बहुत धांसू प्रेजेंटेशन के। तो आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 दिन में मैं, एक्चुअली परसों की बात है, मैं गाड़ी लेकर गया क्योंकि काउंसलिंग डिले चल रही थी। और मैं क्योंकि पहले भी गया हुआ हूँ, लेकिन मैं उन मेडिकल कॉलेजेस में गया जहाँ मैं पहले नहीं गया था। जी हाँ, तो मैं स्पेशली गया और मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता था। क्योंकि बाकी सारे हरियाणा ही कॉलेजेस मैंने देखे हुए थे अपने आँखों से, हाथों से, लेकिन एक कॉलेज जो मैंने नहीं देखा था प्राइवेट कॉलेज में खासकर, वो था अलफला मेडिकल कॉलेज। और मेरा ऐसी इच्छा हुई, मैंने कहा एक बार उसको भी देख कर आते हैं, खासकर जो दिल्ली के आसपास के मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं आपको एक सही सलाह दे सकूँ। और देखिए, अलफला मेडिकल कॉलेज एड्रेस फरीदाबाद लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद शहर से पीछे से एक रास्ता जो गुड़गांवा की तरफ जा रहा है, और वो पहाड़ी रास्ते, हाईवे की बात नहीं कर रहा, ये वो रास्ता था। ये भी एक ठीक ठाक रोड थी जो अल्टीमेटली आपको सीधा सोना ले गई। तो सोना से फरीदाबाद की रोड थी, उससे बीचों बीच था, मतलब बड़कर लेक जो फरीदाबाद की बहुत प्रोमिनेंट जगह है, उससे 25 किलोमीटर राइट में, और सिमिलरली सोना से 25 किलोमीटर लेफ्ट में। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कॉलेज का इंफ्रा बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पॉजिटिव बात जो मेरे को लगी, और मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, देखिए जब हम नेट पे देखते हैं ना, हमें नज़र आता है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, और एक इम्प्रेशन हमारी नज़रों में आ जाता है। वो इम्प्रेशन होता है AMU का, जामिया मिलिया का, या जो बाकी टिपिकल है, और मैं ये नॉन मुस्लिम लोगों से कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ, उस कॉलेज में जाकर मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई। पर जो कॉलेज के मेन डीन है वो भी एक हिंदू है, कॉलेज का मेजॉरिटी स्टाफ हिंदू था। और जब मैं 1 घंटा कॉलेज में था, 40 मिनट के करीब, ऑफकोर्स मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई फोटोग्राफ नहीं खींचे, लेकिन मैं कॉलेज, मैं हॉस्पिटल भी गया, मैं कॉलेज भी आया, लोगों से मैंने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन ऑफिस में चला गया। वहाँ पर 2 मैडम थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। और लेकिन जो माहौल होता है ना, देखिए जब हम दिल्ली का मैं रहता हूँ, एक जामा मस्जिद में आप जाते हो तो आपको माहौल का पता चलता है। उस माहौल को देख के मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ठीक है, शायद इन किसी कारणों से इस कॉलेज ने मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, और डेफिनेटली आधी सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्वड है, और डेट्स वाई लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, 120 नंबर पर एडमिशन हो गया था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, खासकर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगा। फीस ऑफ कोर्स थोड़ी सी हायर साइड पे है, 14 लाख रुपए पर ईयर फीस है, बट उन्होंने मुझे बताया कि सर इसके अलावा सिर्फ हॉस्टल है, और टोटल मिला के जो पैकेज है 2021 का, वो 80 लाख का पड़ता है सारे इंक्रीमेंट मिला के। फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, पर हॉस्टल और मेस में 7.5% हर साल इंक्रीमेंट है, तो सब मिला के मतलब एग्जैक्टली अराउंड 80 लाख रुपीज़ के करीब खर्चा बैठ रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो हॉस्पिटल है इनका, जो 2015-16 में स्टार्ट हुआ, कॉलेज अभी तीसरा साल ही स्टार्ट होगा, तो फिलहाल वो परमिटेड है, अभी रिकग्नाइज होना है, बट इन लोगों ने बिल्कुल फ्री कर रखा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, तो बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की तरह है। पूरी OPD फ्री है, ऑपरेशंस फ्री हैं, रूम्स फ्री हैं, सिर्फ कंज्यूमेबल के पैसे आपसे लेंगे, विच मीन्स अगर आप वुमन की डिलीवरी हो रही है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और कंज्यूमेबल में भी देखिए, जो नॉर्मल सर्जरी के ग्लव्स वगैरह, उसके पैसे नहीं ले रहे। मुझे उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप नी कैप रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास आते हैं जी, तो जो नी कैप का खर्चा है वो आपसे लेंगे, अगर वो खुद ले आते हैं, खुद अरेंज करते हैं, तो आप देखोगे अपनी आंखों से कि बाकी सब फ्री है। प्रॉपर एक फार्मेसी थी ही हॉस्पिटल में, उसमें खूब सारी दवाइयां हैं। तो मेरा जैसा टिपिकल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में होता है, आपने OPD में चेकअप कराया, आप गए, दवाई ली, बिल्कुल फ्री, रूम्स बने हुए हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल है ही, सब कुछ फ्री। आप 3 दिन 4 दिन स्टे कर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है वुमन की, छोटी मोटी कोई सर्जरी हो रही है, सब फ्री। जैसा कि मैंने कहा, हार्ड कोर एक्सपेंसिव कंज्यूमेबल्स, 100-200 रुपए के सर्जरी के ग्लव्स लग रहे हैं, वो सब लग रहे हैं, वो भी पैसा आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं। और इसकी वजह से मैंने देखा काफ़ी भीड़, और उन्होंने मुझे बताया भी कि सर बिकॉज ऑफ दिस फ्री थिंग, अदर देन जो आसपास के गांव में तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद के कुछ लोग भी, 20 किलोमीटर वैसे दूर दिखते हैं पर समय गाड़ी में लगा तो 20 मिनट ही, क्योंकि सब कुछ फ्री है, तो जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है उसके अलावा लोग मेन फरीदाबाद शहर से भी आ जाते हैं। तो मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आई, हम तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच वहाँ पर थे, विच इज़
पीक टाइम फॉर ओपीडी, और जो बाकी जो माहौल था हॉस्पिटल का, कॉलेज का, इट वॉज यू नो ट्रस्ट मी एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और मुझे पता है कि वीडियो में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की जो हालत है उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। एंड यू ऑलवेज से आई एम न्यूट्रल गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हमें कोई कमीशन नहीं मिलती है, आप यहाँ जाए या वहाँ जाए मेरी बात नहीं मानते, तो एक बार आप समय निकाल के, क्योंकि अक्सर ये हरियाणा के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, जब हम ऑप्शंस भरते हैं ना तो हम आदेश में जाने को तैयार है, एनसी में, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में, एसजीटी के 18 लाख रुपये देने को तैयार है, इसका हम कंसिडर भी नहीं करते क्योंकि दिमाग में इमेज वो आती है मुस्लिम कॉलेज है जी, पता नहीं पूरा माहौल मुस्लिम होगा। आप बिल्कुल रेंडमली जाइए आपको एहसास ही नहीं होगा, बिल्कुल एहसास नहीं होगा कोई, मतलब हॉस्पिटल और कॉलेज के अंदर ये नहीं कि हर जगह उर्दू की आयतें लिखी हुई हैं, मतलब इट्स अ टिपिकल मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। और शायद जो कल्चर था कॉलेज का, इट वॉज फार मोर कॉस्मोपॉलिटन, जो मुझे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में नज़र आया, क्योंकि वहाँ पर तो फिर भी लोग खड़ी बोली बोल रहे थे, मतलब इट वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल जो आपसे बात कर रहे थे अल्फला में। तो मेरी सलाह है कि एक बार ज़रूर जाके उस कॉलेज को चेकआउट कीजिएगा, अब तो समय भी है, काउंसलिंग बहुत डिले हो रही है, हरियाणा इज ए ओपन स्टेट का, पूरे हिंदुस्तान से आप आ सकते हो, 80 लाख के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा हॉस्टल, क्योंकि थोड़ा सा हटके है, वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, जो हमें मिले थे प्रोफेसर जो वहाँ पर पढ़ाती भी हैं और MBBS MD थे, मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में, उन्होंने बताया कि जी हमको भी यहीं पर घर मिले हुए हैं, हम यहीं पर रहते हैं, तो बेसिकली 24 आवर अवेलेबल है हर चीज़ के लिए, और दिख रहा था कि बहुत पॉजिटिव तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो बस यही मैं अपील करूँगा आप सब बच्चों से जो भी इस एरिया में है कि एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए इस ऑप्शन को, और मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से मत घबराइए, ये मेरी आपको सलाह है। धन्यवाद।